खरगोन जिले में बढ़वा के समीप ग्राम मनिहार में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की मध्य रात्रि एक ट्रक में आग लगने की घटना घटित हुई थी। इस दौरान ट्रक में करीब 22 लाख रुपए की कुल 128 रुई की गठाने भरी हुई थी। इस आगजनी की सूचना स्थानीय पुलिस थाने पर मिलने के बाद स्थानीय अग्निशमन को बुलाकर आग पर काबू पाया गया था, लेकिन इस दौरान पुलिस को इस घटना पर कुछ संदिग्ध प्रतीत हुआ था, जिसकी जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन ने जिला पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाई थी, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने इस मामले में बारीकी से जांच करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद स्थानीय TI संजय द्विवेदी ने इस मामले की तहकीकात करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की थी। इस आगजनी के पूर्व इस मामले से जुड़े आरोपियों ने केज महाराष्ट्र से ट्रक में 128 रुई की गठानों को भरकर मेहतवाड़ा सीहोर ले जाने के लिए लोड की थी, जिसके बाद बढ़वा स्थित ग्राम मनिहार में आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से करीब 3 आयसर वाहन में 128 रुई की गठानों को भरकर बेचने के लिए रवाना कर दिया, जिसके बाद खाली ट्रक में पुराना घटिया किस्म का कपास की गठानों को भरकर डीजल पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिनके पास से पुलिस विभाग ने 128 गठानों की 22 लाख रुपए की राशि जब्त की है। बता दें कि इन आरोपियों को न्यायालय में पेश कर अब रिमांड मांगी जाएगी, ताकि इस मामले से जुड़े अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हो सके। बढ़वा से मुश्ताक मुंडा की रिपोर्ट। देखिए, बीमा राशि तो इन्होंने बीमा तो लगभग पूरे सामान थी और साथ में जो गाड़ी है जो जली है जिसमें जलाया होगा उसका ये लोग पूरा बीमा क्लेम करते हैं, ठीक है। अब वो घटिया क्वालिटी की जो कपास भरी थी उसके संबंध में हम लोग तो बता नहीं सकते, उसमें तो काफ़ी तो जल गई, जो थोड़ी बहुत बची होगी तो उसका हमने वैसे एवेल्यूशन तो करवाया, तो जल गई वो तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हम लोगों ने उसमें आगे निकलना है एक बार ऐसी जो कपास लेके आ रहा था उसमें आग लग गई थी, तो उसके बारे में जब पुलिस को सूचना मिली पुलिस ने उसमें आगजनी की जब जाँच की तो उसको पूरी घटनाक्रम जो है वो संदेहास्पद प्रतीत हुआ और पुलिस ने इसमें जाँच करते हुए जो मालिक है उसको बुलाया, उससे पूछताछ की, मालिक को भी कहीं ना कहीं घटना में शक संदेह हुआ, तो उसके आगे बढ़ते हुए पुलिस ने फिर अपनी पूछताछ की जो साइंटिफिक एविडेंस थे CDR वगैरह के बेसिस पे, बाकी उसके बेसिस पे पुलिस ने पूरी जांच की तो कहीं ना कहीं इस घटना में जो आगजनी थी वो एक अपराध की ओर पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं इसमें ऐसा हुआ है। पुलिस ने जाँच की तो इसमें पाया कि एक संपूर्ण गिरोह है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है, ये पुलिस को खुलासा हुआ, और वो ओरिजिनल माल जो था जो सही अच्छी क्वालिटी का कपास था उसको हटाकर थोड़ा सा ख़राब क्वालिटी का कपास रख के उसको जला के और उसके बाद जो है उस ट्रक का जो जल गया है उसका बीमा क्लेम कर लेते थे, उसको ले जाके वो किसी अन्य उसके माध्यम से व्यापारियों के माध्यम से ब्रोकर के माध्यम से उसको दूसरी जिनिंग वगैरह फैक्ट्रीज में बेचते थे जहाँ पर वो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।